देख रहे गाइस कैसा सर कैसा कैसा रास्ता होके जा रहा है अभी हम लोग। ओह अति उत्तम अकेला, डर भी लग रहा है, क्या क्या लग रहा है भाई। ये भाई नीचे कैसे देख रहा है यार, मत देखो नीचे मैन। और क्या चाहिए, स्नो है। वाटरफॉल गाइस, वाटरफॉल। लद्दाख तो गया नहीं, लेकिन उससे कम नहीं लग रहा इधर का रास्ता। सब घर से सब भूल चुका। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वालोंग। सो इधर देख रहे हो आइस माउंटेन। ओके, सो ये छोटा सा टाउन वालोंग का, और इधर में छोटा सा रनवे, इधर में नदी, इधर में पहाड़, इधर में धूप। सो आज को जाने वाला है काहो, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। सो बने रहे मेरे साथ है। तो इधर में लिखा हुआ है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो कल को दोंग वैली जाने वाला है। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी जा रहे कहो कहो विलेज, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, ऐसा तो बोला जाता है। आप पता नहीं कितना लास्ट विलेज से जाके देख लेंगे। ये राइस के नीचे में आपका रानवी है, और ये अपना आर्मी कैंप। चलो वालम गाइस, आगे में ऊपर में देख रहे स्नो, अभी तो दिखाई दे रहा होगा, मे भी शायद देखना तो चाहिए। दिस इज आई लव वालम, देख लो यहाँ पे आप आई लव वालम लिखा हुआ है। आगे में देखो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, स्नो है। अभी थोड़ा धूप का वजह से थोड़ा वो मेल्ट हो गया बोल रहा था, नहीं तो आगे में कुछ दिन पहले तो थोड़ा आगे तक स्नो था बोल रहा था। सो हम लोग साथ में सुमित भाई भी है। बाइक को क्लीन करने का टाइम नहीं मिला, अगर कहीं भी मिलता तो क्लीन कर लेते बाइक को। पीछे में हवा भी भराना है, मेरा चक्का में पूरा हवा कम, मतलब पूरा ही कम है। और आगे का ब्रेक लूज हो रहा था, हवा ले रहा था, पूरा बांध के रख दिया इसको, अभी ठीक हो गया ब्रेक। बिना ब्रेक का भी आ गया था वालंग भाई, अपना भाई का नहीं, गाय को टेंशन पता है। देखो कितना सुंदर है वैली सब। सो यहाँ पे कितना दिन, हम लोग का 2 दिन का रुकने का प्लान बना था, लेकिन इधर से किबीटू जाता है, किबीटू भी घुराएगा बोल रहा था भाई, लेकिन थोड़ा घूमना हो जाता है बोल के। अब देखते हैं क्या का, पहले तो कहो जाना पड़ेगा। तो राइसक में देखो, वाह कितना अच्छा लग रहा है, हाय 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 हाय। नदी भी देखो, नदी भी इतना क्लीन है। आगे में वैली सब देखो, वाह अपने आदमी का कह रहे ना, तो यहाँ पे टेंशन भी नहीं रहना, और घुमाना भी सब भाई लोग ही कर रहे हैं इधर में ना, कोई टेंशन नहीं है एकदम बोल रहे ना। अपने आगे में देखो पहाड़ नजारे देखो। सभी नीचे स्लोप में जा रहा है, तो पूरा गियर कम करके हैंडब्रेक भी लगा हुआ है कि यूज योर लो गियर बोल के। देखो कितना ढलान है, मतलब ना यहाँ पे तो पूरा एक्सपीरियंस राइडर को आना पड़ेगा गाड़ी लेके। तो हम बाइक में भले ही सक जाएगा, लेकिन ये सब जो आपका दोंग रिजॉर्ट में भी वहाँ पे लिखा था दोंग रिजॉर्ट बोल के, तो ये भी हो सकते हैं, ये भी कुछ रिजॉर्ट हो सकते हैं होम स्टे के लिए। सो कोना कब से होके निकल, देख रहे हैं आप लोग शॉर्टकट होके निकल रहे। ओह काहो की तरफ बढ़ रहे हैं अभी हम लोग, काहो ना काहो जाएगा कौन सा जाएगा पता नहीं, लेकिन देखने को सब कुछ मिलेगा, आप लोग बने रहे। ओके ओ देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ऑफ रोड, इसको कहता है रास्ता। ऐसा में बाइक चलाने का अच्छा लगता हो, वाओ क्या सही है ना, क्या सही है। ऐसे भी रास्ता चाहिए था, ऐसा भी रास्ता चाहिए था ना हम लोग को। देख रहे गाइस कैसा सर कैसा कैसा रास्ता होके जा रहा है अभी हम लोग। ओके भाई ये कुछ नया था, हाँ ये कुछ नया था, अच्छा था नया था सही था, अच्छा था नया था सही था, समझे ना आप लोग। ओ भाई ओ अति उत्तम अकेला लगा। अच्छा यहाँ से बाइक पार करना है, अच्छा 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 कमल। सो यहाँ पे ब्रिज में पार करना पड़ेगा भाई, जान निकल रहा, कैसे करेगा। आ सकता हम भी, आ सकते। ओ भाई इट्स, अबे यार डर भी लग रहा है, क्या क्या लग रहा है भाई। ओ भाई प्लीज भगवान, ए भगवान
ए भगवान कहाँ कहाँ लेके आ रहा है यार। ए भाई नीचे कैसे देख रहा है यार, मत देखो नीचे मैन। अरे भाई नीचे मत देखो, मत देखो। अबे यार, अबे यार, अबे यार, अबे ओ ओ भाई कमल कैसा लग गया, कैसा लग गया, जा निकले मेरे तो। हाँ गए तो तानी। ओ सो गाइस देखो कैसा जगह से पार हो गया है ना अभी। ओ भाई बाइक शो देखो ना कैसे कैसे रॉक, मेरा फोटो कितना सिंक तो इधर में देखो, वो वाला ब्रिज हो गया है ना अभी भाई, वहाँ से बाइक पार कर गया है। उधर मेरा अपना बाइक देखो, ये अपना बाइक भाई। क्या बड़ा फोटो की हाँ ये माथे बड़ा हाँ हाँ अपना अभी अपना बड़ी ठीक है बाइक उठाएगा भाई। ऐसा जगह पे ना वो फिल्म सिर्फ क्या बोलता है वो सब मैंने खाती यहाँ ठीक चो। भाई इधर में देखो, इधर में देखो वो जगह से पार हो गया है ना। ओ भाई साहब, ओ भाई क्या लग रहा है भाई। डोंग वैली तो यही होनी चाहिए ना एक्सट्रीम लेवल पे। एक्सट्रीम लेवल मतलब एक्सट्रीम लेवल, आई डोंट नो आप लोग को आगे कोई किसी का वीडियो में देखने मिला कि नहीं मिला ऐसा ऐसा मतलब व्यू डोंग वैली का, मतलब ऐसा जगह ऐसा रास्ता पे बाइक पार हुआ, आई डोंट नो। लेकिन मेरा में तो देखने को मिल रहा है आप लोग को कैसा जगह से पार हो गया है ना। वो सब बीस वो सिर्फ मुझे पता है भाई, इतना फट गया था ना, इतना फट गया बहुत ज़्यादा, मतलब कभी एक्सपीरियंस नहीं है ना ये सब का। और रास्ता कैसे ऊपर में जो आप लोग का वीडियो में देखा था ना रील सब में कि बाइक वाला लोग पहाड़ में उठ रहे, हम सोच रहे वो सब ना ऐसे एडिट करके बनाता बोल के, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ही है। हाँ के और कोई नहीं आता है ना, तो गाइस देखते रहो हम लोग का ब्लॉग्स, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे अपना आदमी है ना, तो अच्छा अच्छा जगह और दिखा रहे हैं हम लोग को भाई। जगह सब देखो, जगह सब ना यहाँ का सुकून है, मतलब सुकून सुबह का टाइम और भी अच्छा लगेगा ये सब शायद में भी। जगह सब देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। अभी ब्रिज क्रॉसिंग करने वाला है, ये ब्रिज भी अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ ब्रिज देखो, ब्रिज 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 आए वाह, कितना ठंडा ठंडा हवा है ना इधर में। आगे में वाटरफॉल देखो यार, दिखाई नहीं दे रहा बहुत ऊपर में, पास में होने चाहिए रहा। सो गाइस तो मैं बाइक वर्स हो रहा है हम लोग का भी ठीक है भाई साहब। देखो पानी इतना ठंडा है ना इधर में, पानी इतना ठंडे की पानी मत बोलो यार, पूरा बर्फ चल रहा है, माइनस चल रहा है, माइनस डिग्री में पानी चल रहा है पता है यहाँ का। इधर अपना बाइक बाइक वॉश हो चुका है, अभी अच्छा अच्छा फोटो आएगा। इधर में एमटी एमटी का एक्सीडेंट हो चुका है, देखो उसका लीवर कट भी टूट चुका है। बाइक माता रहना तो जाने में से गिरेगा ना, गिरेगा रो। सो गाइस यहाँ पे बाइक साइक धो लिया तो अब यहाँ से निकल रहे हो। ओके पूरा बाइक सेक धो के क्लीन करके निकल गया अभी यहाँ से भाई। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा, इतना ज़्यादा मतलब हाय मेरा मतलब हाथ और पाँव पूरा जम गया हम लोग का ना धोने का टाइम में, इतना ज़्यादा ठंडा। कोई नहीं तब भी बाइक साफ कर लिया, बाइक क्लीन होनी चाहिए ना तब फोटो अच्छा आएगा ना, क्या बोलते हो। नीचे में पूरा नदी है, साइड में रास्ता, वो देखो नदी, नहीं देखो नदी नदी नदी। वाओ बाकी ऊपर क्लीन हो चुके ना, अच्छा लग रहा है अभी देखने में। अरे वाटरफॉल देखो, वाटरफॉल 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 गाइस, वाटरफॉल वाटरफॉल का तो ना यहाँ पे तो मतलब हिसाब नहीं है, हिसाब मतलब छोड़ो, वाटरफॉल ही वाटरफॉल है भाई। इतना ज़्यादा वाटरफॉल है ना देख के ऐसा आ गया मुस्तांग का याद आ गया, मतलब ना मुस्तांग का ब्लॉग सब इतना ज़्यादा वाटरफॉल दिखाता है, लेकिन मुस्तांग में इतना अच्छा रास्ता नहीं है, बस वही है भाई। हम लोग का 2023 का जो एंडिंग सीजन है भाई, इतना अच्छा जा रहा है ना, इतना अच्छा जा रहा है। अभी तक तो फिलहाल सही जा रहा है, बाइक में थोड़ा आगे में ब्रेक कम है वो भी सही जा रहा है, पीछे का चक्का में हवा कम है वो भी सही जा रहा है, जेब में पैसा नहीं है वो भी सही जा रहा है।
गाइस नदी देखो, नदी देखो कितना क्लीन लग रहा है, और यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है एकदम। और इधर का पहाड़ रास्ता देखो, लद्दाख, लद्दाख से भी पता नहीं अब लद्दाख तो गया नहीं, लेकिन उससे कम नहीं लग रहा इधर का रास्ता सब। देखो साउंड कितना गूंज रहा है, वाओ रास्ता देख रहे हो। अच्छा साइड में पूरा, अभी तो इतना डर नहीं लग रहा, कल को थोड़ा डर लग रहा था लेकिन अभी तो इतना डर नहीं लग रहा है, आदत थोड़ा हो गया, मतलब नदी का सामने सब पार का सामने चलाने के लिए। सो गाइस देख सकते हो नज़ारे तो और भी अच्छा आ रहा है, जितना पार होते जा रहा है व्यू सब उतना अच्छा आ रहा है। इधर में देखो और आगे में बर्फ, इधर में भी बर्फ का पहाड़, वाओ। और जहाँ पे बर्फ का पहाड़ है ना वहाँ पे ना गच्ची सब नहीं है, देखो वहाँ पे पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक। वाओ फ्लैग सब कितना अच्छा लग रहा है, ये घर कितना अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम फ्लैग फ्लैग फ्लैग। आगे में देखो बर्फ, देखो पानी कैसा आ रहा है ऊपर से, वाह कितना क्लीन ज़्यादा पानी है ना, कितना क्लीन पानी। अभी हम लोग पहले तो काओ विलेज जाने वाला है, उसका बाद जो चाइना और इंडिया का जो मीटिंग पॉइंट है वो दिखाने ले जाएगा बोल रहे भाई। बस इतना सही व्यू आ रहा आगे में, डेयरिंग डोजन आसाम रेजिमेंट 12 कौन प्लीज। ओ भाई गाइस वेलकम टू काहो विलेज। ओके सो ये रहा अपना काहो विलेज, काहो विलेज भी आ चुका है, इतना देर का बाद आ गया ना भाई, बहुत बहुत जाना पड़ेगा, कम से कम भी 35-40 किलोमीटर आना पड़ा यार। काहो वेलकम यू काहो, मेरे आँख में ना कुछ कंकड़ जैसे घुस गया यार, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। दिस इज काहो विलेज, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। भाई मज़ा आ गया यार, अभी यहाँ पे खाना वाना खा के थोड़ा भाई का घर पे खाना वाना खा के उसके बाद चाइना वो क्या बोलते हैं बॉर्डर देखने के लिए हम लोग चला जाएगा, बॉर्डर तो नहीं है कुछ और अब पता नहीं क्या है। भाई ये वाला लास्ट रास्ता यहाँ तक है ना, आगे जाने नहीं देता है, नहीं देता ना, देखा लास्ट रास्ता में आ गया गाइस सच को तो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यहाँ से आगे रास्ता बंद है, मतलब जाने नहीं देगा, सिर्फ आर्मी वाला लोग को जाने देगा। हे गाइस अभी हम लोग का खाना पीना भी हो गया, तो थोड़ा आगे में हम लोग इसके अंदर भी गया था, इसके अंदर में जहाँ से आपको क्या बोलते हैं गाड़ी वाड़ी कुछ पार होने नहीं देता आगे में। सो ये आपका काहो विलेज, और एक इधर में वो था आपका क्या बोलते हैं जहाँ पे चाइना और इंडिया आगे मिलता है ना, कि कुछ होने से मीटिंग वीटिंग होने से, सो वहाँ पर दो फ्लैग लगा हुआ रहता है, एक इंडिया का फ्लैग और एक चाइना का फ्लैग, तो वहाँ पे भी जाके आया, लेकिन वहाँ पे कुछ वीडियो शूट करने के लिए नहीं देता है, और टूरिस्ट को तो कभी भी नहीं देता है, बस भाई लोग यहाँ का लोकल है बोल के, ये भाई का घर ना, ये भाई का घर है यहाँ पे, लोकल भाई है बोल के ले जाने दिया हमको अंदर तक। सो वही बहुत बड़ी बात है कि वी आर द फर्स्ट जो हम लोग जा सका वहाँ तक, नहीं तो किसी और को एक को भी जाने नहीं देता। ये रहा इस तरफ से जाता है, ओके सो वो ये हम लोग जाके आया, फोटो क्लिक किया, वो भी जंगल के अंदर ने फोटो क्लिक किया, उधर बाहर में तो क्लिक करने नहीं दिया, एक क्लिक लिया था लेकिन वो हम अपलोड नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है भाई कुछ भी, तो ये सब नहीं करना है। थोड़ा बस बताया कि हम लोग जाके आया है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव था ना भाई का, सो ये लोग अपना लोकल को जाने देते थोड़ा आधा रास्ता तक, सो अभी जाके देखा कि जहाँ पे मीटिंग पॉइंट रहता अभी, तो अभी देख के आया तो अच्छा लगा। ये अपना भाई का सबसे लास्ट घर है, एकदम बोल रहे इंडिया का सबसे लास्ट घर है बॉर्डर में, एकदम लास्ट विलेज है काहो विलेज में, और ये लास्ट घर है, और ये रहा हम लोग का क्या बोलेगा दाँत ही चमके करना इसको तेरे पॉइलो।
आंटी बस ना जानो। तो यहाँ से काहो विलेज से अभी निकल रहा है। ओके विलेज ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस यही थोड़ा छोटा सा एरिया है और इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। सो गाइस यहाँ पे एक भी क्या देखने को मिल रहा है, अमृत सरोवर फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया काहो काहाओ काहाओ है काहाओ। अबे यार मुंह से नहीं फूट रहे, अमृत सरोवर यहाँ पे तो फास्ट विलेज ऑफ इंडिया बोल रहा है, तो लोग क्यों लास्ट विलेज बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट विलेज है ना फास्ट विलेज, समझ में नहीं आ रहा यार। ऊपर जाना है ना। सो कैसे अभी थोड़ा अभी ऊपर में सब जा रहे हैं। सो भाई बता रहे कि ये वाला दिख रहा है ना थोड़ा छोटा वाइट वाइट, ये चाइना का विलेज बोल रहे हैं। और इधर का ये भाई ये लास्ट विलेज ना फास्ट विलेज, वहाँ पे तो फास्ट विलेज दिखा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर वालंग से आएगा तो ये लास्ट विलेज है इंडिया का, अगर यहाँ से तो फास्ट विलेज ये स्टार्ट होता है, मतलब ना चाइना बॉर्डर से फास्ट विलेज यही स्टार्ट होता है। सो गाइस यही था काहो विलेज, काहो विलेज छोटा सा विलेज है, आप लोग आकर रह भी सकते हो यार, आपका होम स्टे छोटा सा गाँव है। उस पर तो ये छोटा छोटा घर दिख रहा है ना, छोटा छोटा घर, ये चाइना का घर है। ऊपर में जाके दूरबीन से देखा था थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दिया। अभी बैक टू वालंग जा रहा है।